कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास बना नहीं सकता। सो यू हैव टू नो योर हिस्ट्री टू क्रिएट हिस्ट्री। भारत की धरती अपनी है, जय भीम की नीति अपनी है, वो तक्षशिला और नालंदा की हर आकृति अपनी है, वो तक्षशिला और नालंदा की हर आकृति अपनी है। दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में बुद्ध की संस्कृति अपनी है। वो कहते हैं हम सुनते हैं जो जीता वही सिकंदर है, पर चंद्रगुप्त साबिर नहीं पूरी दुनिया के अंदर है, पर चंद्रगुप्त साबिर नहीं पूरी दुनिया के अंदर। सम्मान के लिए हम भीम की औलाद है, सम्मान के लिए हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मंच पे विराजमान, मैं सबका नाम नहीं लूंगी, मंच पे विराजमान हमारे तमाम सम्मानित वक्तागण, हमारी बहनें हमारे साथ चलकर आई, हमारी राखी रावण जी जो महिलाओं की बुलंद आवाज़ है, उनका स्वागत करती हूँ। और मंच का अच्छा संचालन कर रहे हमारे भाई साजिद हुसैन जी, और ये दृश्य देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तरफ अंते जी खड़े थे और एक तरफ साजिद हुसैन भाई, तो ये बहुजन समाज है, ये खूबसूरती है हमारे धर्म की। यहाँ पे मुझे लगा कि ये बहुजन समाज है, और कांशीराम चौहान ने जो एक धागे में बिखरे हुए समाज को पिरो कर बहुजन समाज बनाया था, इस मंच से मुझे दिखा कि ये बहुजन समाज की खूबसूरती है। चूंकि वक्त कम है तो मैं जल्दी शुरू करूंगी। सामने बैठे इस जन सैलाब को मेरा जय भीम, और मैं उन तमाम जो पिता है उनका स्वागत करना चाहूंगी इस मंच से, जो अपनी बेटियों को इस भारी सभा में अपनी बेटियों को लाकर खड़ा कर देते हैं कि जाओ समाज को समर्पित कर देते हैं, जाओ कहते हैं कि जाओ अपने जैसी बेटियों को तैयार करो। और ऐसे एक पिता मेरे पापा आप सभी के बीच हैं, मैं चाहती हूँ आप सभी उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत शुक्रिया। एक बार मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आदरणीय पूजनीय भंते विमल कृति जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं पहली बार इस धरती पे आकर खड़ी हूँ और मैं देखती हूँ कि आप कैसा सुनेंगे। शुरू करने से पहले बिना भूमिका के शुरू करूँगी, शुरू करने से पहले बस इतना ही कहूँगी कि बाबा साहब ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास बना नहीं सकता। सो यू हैव टू नो योर हिस्ट्री टू क्रिएट हिस्ट्री। इसलिए मैं कहती हूँ आपको अपना इतिहास जानना पड़ेगा, और मैं इसी के साथ इस मंच पर खड़ी हूँ कि मैं आपको अपने इतिहास की एक झलक दिखा सकूँ। और भंते जी का आदेश हुआ था कि वंदना आप वो कविता सुनाना जो जिसमें महापुरुषों की, हमारे समाज के बहुजन महापुरुषों की झलक दिखती है, तो मैं वो आप तक पहुँचाती हूँ। बस इतना ही कहूँगी कि जो 3 घंटे की फिल्म होती है ना, उसका जो ट्रेलर होता है 3 मिनट का, उसमें जो चीज़ फिल्म के बारे में दिखाई जाती है वही बहुजन महापुरुषों के इतिहास के बारे में मेरी कविता में दिखेगी। तो मैं देखती हूँ आप कैसा सुनते हैं। शुरू करते हैं। भारत की धरती अपनी है, भारत की धरती अपनी है, जय भीम की नीति अपनी है, भारत की धरती अपनी है, जय भीम की नीति अपनी है, वो तक्षशिला और नालंदा की हर आकृति अपनी है, वो तक्षशिला और नालंदा की हर आकृति अपनी है। दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में बुद्ध की संस्कृति अपनी है, दुनिया के कोने कोने में बुद्ध की संस्कृति अपनी है। कुछ पल के पतझड़ को छोड़ो, ये पूरी प्रकृति अपनी है।
दबाती हूँ, देखती हूँ आप सब कैसा सुनेंगे, और जब आप सब सुने तो मुझे आकर्षित करें कि आप सब सुन रहे हैं। वो कपिल वस्तु की धन्य धरा जहाँ पे बुद्ध ने जन्म लिया, वो कपिल वस्तु की धन्य धरा जहाँ पे बुद्ध ने जन्म लिया, जो बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर मानवता का धर्म दिया, जो बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर मानवता का धर्म दिया, वो सारनाथ और वैशाली, वो सारनाथ और वैशाली पावन श्रावस्ती अपनी है, वो सारनाथ और वैशाली पावन श्रावस्ती अपनी है, वो खुशी नगर निर्वाण दिल में बसती अपनी है, वो खुशी नगर निर्वाण स्थली दिल में बसती अपनी है। और अगली पंक्ति निवेदित करती हूँ, यह वीर हमीर सुखदेव भगत सिंह राजगुरु का भारत है कि नहीं, राजगुरु का भारत है कि नहीं। यह वीर हमीद सुखदेव भगत सिंह राजगुरु का भारत है, यह स्वामी विवेकानंद उधम सिंह के जैसों की विरासत है, यह स्वामी विवेकानंद उधम सिंह के जैसों की विरासत है, वो माता नागेली की कुर्बानी। अभी अभी हमारे बड़े भाई इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने हमारे सम्मान के लिए अपनी कुर्बानी दी, वो माता नागेली की कुर्बानी की स्मृति अपनी है, वो माता नागेली की कुर्बानी की स्मृति अपनी है, और फूलन के मिसा लड़ने की ऐसी भी प्रवृत्ति अपनी है, और फूलन के मिसा लड़ने की ऐसी भी प्रवृत्ति अपनी है। और अगली पंक्ति निवेदित करती हूँ, उसके बाद पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक बार जोरदार ताली बजाएं और मुझे बताएं कि आप सब सुन रहे हैं। मैं खासकर माताओं बहनों से कहूंगी कि आप सब सुने। रविदास कबीर बिरसा मुंडा, रविदास कबीर बिरसा मुंडा, नारायण गुरु ज्योति बारा, वो ललई सिंह पेरियार साहू, वो बाबा अम्बेडकर भीमराव, वो ललई सिंह पेरियार साहू, वो बाबा अम्बेडकर भीमराव, वो सिख फातिमा झलकारी। हमारी माताएं बहनें सुने, वो सिख फातिमा झलकारी मारा मा सावित्री अपनी है, वो सिख फातिमा झलकारी मारा मा सावित्री अपनी है, जो दिव्य है काशी राम यहाँ बहुजन को ख्याति अपनी है, जो दिव्य है काशी राम यहाँ बहुजन को ख्याति अपनी है। और अभी हम बात कर रहे थे कि असली इतिहास सुनिए, तो मैं भी इस कड़ी में एक अपनी लाइन जोड़ती हूँ कि वो कहते हैं हम सुनते हैं जो जीता वही सिकंदर है, वो कहते हैं हम सुनते हैं जो जीता वही सिकंदर है, पर चंद्रगुप्त साबिर नहीं पूरी दुनिया के अंदर है, पर चंद्रगुप्त साबिर नहीं पूरी दुनिया के अंदर है, था जिससे सिकंदर हार गया, था जिससे सिकंदर हार गया, ऐसी गतिविधि अपनी है, था जिससे सिकंदर हार गया ऐसी गतिविधि अपनी है, और जो घनानंद को ध्वस्त करे जिंदा रणनीति अपनी है, जो घनानंद को ध्वस्त करे जिंदा रणनीति अपनी है। और अगली पंक्ति में निवेदित करती हूँ कि जो सिद्ध स्तंभ दिया हमको है जन जन का कल्याण किया, बुद्ध की राहों पर चल करके बुद्ध का भारत निर्माण किया,
बुद्ध की राहों पर चल करके बुद्ध का भारत निर्माण किया। उस कलिंग विजय करने वाले हाँ, मैं उस राजा की बात कर रही हूँ जिसकी वजह से भारत का नाम दुनिया में उज्जवल हुआ और जिसके लिए कहा गया कि गिरा जहाँ पर खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर पढ़ लेना और सौर्य कभी सो जाए तो सम्राट अशोक को पढ़ लेना। उस कलिंग विजय करने वाले अशोक की थाती अपनी है, जिसके बलबूते विश्व गुरु दुनिया में उपाधि अपनी है। जिसके बलबूते विश्व गुरु दुनिया में उपाधि अपनी है। शुक्रिया, आप बहुत सुन रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं। मेरी एक बहुत ही फेमस कविता थी, कभी किसी मंच में मैंने पढ़ा था और आप सबका बहुत ही प्यार मिला, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। मैं वो सुनाऊंगी, दो पंक्तियाँ सुना के अपनी जगह लूंगी। अब मुझे लगता है काफी सारे लोगों ने सुनी भी होगी, तो मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। और ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोर गांव की दोहराई जाएगी। और इसी लहजे में एक शेर और सुनिए। नफरत का कारोबार बदलना ही पड़ेगा, जातीयता के फन को कुचलना ही पड़ेगा। नफरत के कारोबार बदलना ही पड़ेगा, जातीयता के फन को कुचलना ही पड़ेगा। और चाहिए अमन अगर चमन के वास्ते, तो बन के काशी राम निकलना ही पड़ेगा, तो बन के काशी राम निकलना। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। और जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं उनकी तरफ से पढ़ती हूँ। हमारे समाज में जो जाबाज महिलाएं रही हैं, मैं उनकी तरफ से पढ़ती हूँ। आए दिन जो हमारी महिलाओं